तो साथियों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे जिसे आप कहीं भी और किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इवन आप मेल हो या फीमेल हो, इवन आप कोई भी एज वाले हो, आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीगल एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या है उसके बेनिफिट्स और क्या है उसके साइड इफेक्ट, और बेसिकली कीगल एक्सरसाइज से होता क्या है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल साथियों, हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड सप्लीमेंट रिव्यू हम करते हैं, उसे आपने अभी तक चेक नहीं करा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिए आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो अवश्य कर रहे हैं। तो साथियों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट साथियों, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कीगल एक्सरसाइज होता क्या है और कीगल एक्सरसाइज कौन से बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्गर करता है। वेल साथियों, कीगल एक्सरसाइज का एक और नाम होता है पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। जी हाँ साथियों, कीगल एक्सरसाइज को पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये एक ह्यूमन ऑर्गन को स्ट्रॉन्गर करता है। अगर मैं इजी वे में बोलूं तो एक मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट को ये स्ट्रॉन्गर करता है, जिससे क्या होता है, अगर किसी ह्यूमन को अनकंट्रोलेबल यूरिन रोकने की प्रॉब्लम रहती है, जिसे उसे वो अपने यूरिन को रोक नहीं सकता है ज्यादा टाइम तक, या फिर उसे हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन जाना पड़ता है, तो इस एक्सरसाइज से आपको उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर किसी ह्यूमन को उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप वीक होते जा रहा है डे बाय डे, तो अगर आप कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे डेली, तो उससे भी आपका जो सेक्सुअल वीकनेस है वो आपकी बढ़ते जाएगी। मतलब आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप टूटते जा रहा है वो प्रॉपर होते जाएगा। मतलब आई वुड से कि आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करती है अपने डॉक्टर के कंसल्ट के साथ, तो 98% चांसेस है साथियों कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऑलराइट, साथ ही साथ साथियों अगर कोई बाय बर्थ होमोसेक्सुअल होता है, होमोसेक्सुअल मतलब जो जेंडर टू जेंडर अट्रैक्ट होता है, लाइक मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल वो अट्रैक्ट होता है, अगर कोई होमोसेक्सुअल कीगल एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से डेली परफॉर्म करेगा, तो 50% चांसेस है साथियों कि वो जो सेम कैटेगरी होती है, लाइक जो होमोसेक्सुअल की उनकी कैटेगरी है वो खत्म होके जो नॉर्मल जो कैटेगरी रहती है, लाइक मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल जो अट्रैक्शन होता है वो उनका डेवलप होने लगता है। ऑलराइट, और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आगे मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इवन किसी फीमेल को लीकिंग की प्रॉब्लम होती है डेली, तो उसको भी ये रिसॉल्व करता है। ऑलराइट ऑलराइट साथियों, तो अब हम ये जान लेते हैं कि कीगल एक्सरसाइज के रिजल्ट हमें कब से देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों कीगल एक्सरसाइज आप कोई सी भी एज में कर सकते हो और कितने टाइम तक भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर करिए कि आपको कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, और रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेंगे, आपको रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप कंटिन्यू 6 से 8 हफ्ते तक कंटिन्यू कीगल एक्सरसाइज करते जाएंगे ना, तब आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, एनीवे ऑलराइट, आपको जो जो अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है, बायसेक्सुअल किसी चीज की प्रॉब्लम थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, यूरिन में किसी चीज की प्रॉब्लम थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, एनी प्रॉब्लम आपको अगर बाय ऑर्गन हो रही होगी तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, बट मेक श्योर करिए कि आपको कीगल एक्सरसाइज डेली करनी है, एक भी दिन छोड़े। ऑलराइट, आपको एक भी दिन नहीं छोड़ना है, तब जाकर आपको 6 से 8 हफ्ते के अंदर कीगल एक्सरसाइज का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वेल साथियों, अब हम जान लेते हैं कि आप कीगल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं घर पे। ऑलराइट, क्या चीज की आवश्यकता होगी, क्या फॉर्म होना चाहिए और कितने रेपिटेशन आपको करना रहेंगे, पूरा कंप्लीट ये मैं आपको साझा करता हूँ। ऑलराइट साथियों, तो कीगल एक्सरसाइज करने के लिए चाहे आप घर पे कर रहे हो या आप कहीं पे भी कर रहे हो, आपको उसके लिए योगा मैट या फिर आप दरी यूज कर सकते हो। साथियों बिना योगा मैट और दरी के लिए आप कीगल एक्सरसाइज या कोई
कोई भी एब्स भी आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि क्या होता है अगर हम प्लेन सरफेस पे कुछ भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उससे इन फ्यूचर हमारे लो बैक में इशू आता है। तो मेक श्योर करिए साथियों कि अगर आप कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं या एब्स लगा रहे हैं तो आप हमेशा आप योगा मैट पे या फिर आप कोई भी दरी यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो बेसिक कीगल एक्सरसाइज है उसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या सही पोस्चर होना चाहिए, कहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए, वो आज प्रॉपर में इन डिटेल में आपको साझा करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जैसे मेरे पास योगा मैट है, मैं यहाँ पर ऐसा लेट जाता हूँ, ठीक है, मेरा नेक पूरा मेरे योगा मैट पे है, ठीक है, मेरे जो लेग्स है ये पूरे बैंड है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, पूरे बैंड है। आई होप आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये जो हाथ है, पाम है आपके हाथ, ये पूरे ऐसे यहाँ पर चिपके रहेंगे इस ऐसे आपके योगा मैट पे। ऑलराइट, अब क्या करना है आपका कि जो हिप्स मसल है आपका, ये जो लोअर बॉडी है हिप्स मसल, इसको ऑल द वे टू अप करना है। ऑलराइट, कैसे करेंगे, लाइक दिस। ऑलराइट, अब जैसे ये अप हुआ ना, इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे फॉर अ 2 सेकेंड, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा जो मसल है ना लो मसल, उसमें हमें टेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, हाथ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आपको हाथ नीचे ही रखना है, ठीक है। नाउ ऑल द वे टू डाउन। ऑलराइट, ये होती है साथियों बेसिक कीगल एक्सरसाइज, ठीक है, इसके आपको लेना है एक सेट में 15 times। ऑलराइट, मतलब आपको 15 times ऐसे अप डाउन होना है और इसके आपको 3 सेट लेना है, ठीक है। मेक श्योर करिए कि आपका जब भी आप ऊपर जाएंगे, आप लो हिप्स को ऊपर करेंगे तो आपको 1 या 2 सेकेंड होल्ड करना है फॉर मैक्सिमम मसल टेंशन। ऑलराइट, ऑल द वे टू डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो साथियों ये होता है कीगल एक्सरसाइज का सही पोस्चर। ऑलराइट, आपको इसे परफॉर्म करना है 3 सेट्स में। ऑलराइट, हर एक सेट में 15 times होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में 15 times ज्यादा लग रहा है तो आप कम से कम 8 से 10 बार स्टार्टिंग में ट्राई करिए, बट मेक श्योर करिए आने वाले कुछ वीक में आप इसको 15 times तक ले जा सकते हैं। 15 times से ज्यादा आपको नहीं लेना है। ऑलराइट, ऑलराइट साथियों, तो अब हम जान लेते हैं कि काउ कीगल एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है। साथियों, आपको सिर्फ 2 कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, एक जो फर्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है बेसिक कीगल एक्सरसाइज, और दूसरी है काउ कीगल एक्सरसाइज। बस आपको ये 2 कीगल एक्सरसाइज फॉलो करना है अपने डेली रूटीन में। ऑलराइट, आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम, मात्र 10 मिनट आपको इसे देना रहेगा। ऑलराइट, तो सबसे फर्स्ट अब हम काउ कीगल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें मैट का यूज करना है। आप चाहें तो दरी का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें योगा मैट का भी यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आपने अगर देखा होगा हम कैट के मेल एक्सरसाइज लगाते हैं तो हम पूरा जो हमारा जो बैक रहता है उसको हम पूरा आर्च कर लेते हैं, फिर अपर बॉडी को हम स्ट्रेट करते हैं, कुछ इसी तरीके के सिमिलर फॉर्म रहेगा। बट हमें क्या करना है, उसमें बैक आर्च नहीं करना है और ना ही हमें हमारा ये जो बैक है अप करना है, उसमें हमारी सिर्फ लोअर बॉडी ही मूवमेंट करेगी। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम इसे डॉग स्टाइल में रहे, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारा सिर्फ लोअर बॉडी अप डाउन करेगी, कैसे, ऑलराइट, 1, 2, 3, 4, 15। ऑल राइट, आप चाहें तो मेक श्योर करिए कि हल्का से जब हम हमारा जो लो बॉडी को स्विच करते हैं तो आप हल्का सा होल्ड कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंड गाइस यही रहेगा कि आप इस जो काउ कीगल एक्सरसाइज है ना उसमें आप होल्ड मत करिए, ठीक है, आप कंटिन्यूसली आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट लेना है 15-15 रेपिटेशन के, ठीक है। कैसे, एक बार वापिस से मैं आपको साझा कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ऑल राइट साथियों, आई होप आप ये दोनों एक्सरसाइज
कैसे परफॉर्म करना है आप समझ गए होंगे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट। ऑलराइट साथियों, तो बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज साझा करना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बाय एडिंग सम फूड इन योर डाइट का वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है। साथियों, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेक नहीं करा तो आप अवश्य उस वीडियो को पहले चेक करें, और अगर आप कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो सारे फूड अगर आप ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक तरफ से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाएगा और एक तरफ से आपका जो कीगल एक्सरसाइज जो आप करेंगे उससे आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा, जिससे आपको ट्वाइस अ टाइम अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेक श्योर करिए आप वो वीडियो अवश्य चेक कर रहे हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ऑलराइट साथियों, तो बेनिफिट्स जो आपको देखने को मिलेंगे कीगल एक्सरसाइज करने के बाद, वो फर्स्ट, आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा तो वो खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, अगर आपको लीकिंग की प्रॉब्लम है, ह्यूमन बॉडी में लीकिंग की प्रॉब्लम आती है, मोस्टली ये फीमेल को प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो सकती है। ऑलराइट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं अपने डॉक्टर के कंसल्ट में, तो आपकी डिलीवरी 98% चांसेस है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। ऑलराइट, अगर आपको प्रेगनेंसी में इश्यू आ रहा है तो आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, इन केस अगर आप किसी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप करेंगे प्रॉपर कीगल एक्सरसाइज तो आपको खुद ब खुद एहसास होता जाएगा। बट मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो आपका सेक्सुअल वेलनेस को इंक्रीज करता है, आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको ये स्ट्रॉन्गर करता है। तो वो अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ना साथियों, तो आपको इन फ्यूचर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है साथियों, तो आप डेफिनेटली कीगल एक्सरसाइज करिए, आपको लोअर बैक से भी बहुत राहत होगी। ऑलराइट, बट मेक श्योर करिए आप कीगल एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बार बार इस वीडियो को चेक कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज करते वक्त। ऑलराइट, साथ ही साथ कीगल एक्सरसाइज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है साथियों, तो आप लंबे समय तक कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। इवन मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, कोई भी एज वाले कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। इसकी कोई बॉन्ड नहीं है, इसका कोई जेंडर बॉन्ड नहीं है, इसका कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। बस आपको मेक श्योर करना है कि कीगल एक्सरसाइज करते वक्त या तो आप दरी पे कर रहे हो या फिर आप योगा मैट पे कर रहे हो। नॉर्मल जो फर्श होती है उस पे आप अवॉइड करिए, क्योंकि क्या होगा आगे जाते समय क्या होगा, आपको लोअर बैक में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो आप अवॉइड करिएगा। ऑलराइट साथियों, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपका मेंटोर बनूं फिटनेस हेल्थ के लिए, कि कब आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कौन से दिन आपको कौन से मसल को टारगेट करना चाहिए, क्या डाइट आपको लेना चाहिए, क्या सही वेरिएशन होता है जिससे आपको डे बाय डे जल्दी रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज छोड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा कैसे आप पीटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो साथियों ये था आज का वीडियो कीगल एक्सरसाइज के ऊपर। इनकेस अगर आपके मन में अभी भी डाउट हो अबाउट कीगल एक्सरसाइज तो आप बिंदास नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करता हूं। साथियों मेक श्योर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, जिन्हें जानना चाहिए कि कीगल एक्सरसाइज कैसे सही तरीके से करा जाता है और कीगल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है डेली करना। ऑलराइट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। आई नीड मोर सपोर्ट ऑफ यू, जिससे हमारा चैनल डे बाय डे जल्दी ग्रो करते रहे। टिल देन, दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टेक केयर, गुड बाय।